सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले सॉरी, इस तरह कभी मैं वीडियो में आता नहीं हूँ। आज मैं क्यों आया हूँ तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा नॉर्मली मैं ऐसे कभी वीडियो में आया नहीं हूँ। तो अब आने का ये जो रीज़न था गाइस, हमारा जो चैनल था बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और आप लोगों की दुआ थी, आप लोगों का ही सपोर्ट था कि जो ये मुसीबत थी इससे हमारा जो चैनल है वो अब निकल चुका है। तो अब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 12 मार्च 2023 को एक वीडियो अपलोड की थी जो कि पूरे यूट्यूब में या पूरे इंडिया में सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो देखने मिली थी। वो थी बजाज की पल्सर NS 200 का, जो नेक्स्ट जनरेशन आप लोग बोल सकते हो, उसकी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने मिली थी। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से काफ़ी सारे प्रॉमिस किए थे कि मैं जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो NS 160 के नेक्स्ट जनरेशन की आएगी, NS 200 की सारी डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, इसकी राइड रिव्यू सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला था। काफ़ी सारे प्रॉमिस मैंने आप लोगों के साथ किए थे बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। अब ये क्यों नहीं हो पाया तो गाइस, 12 मार्च के दिन मैंने वीडियो अपलोड कर दी, 13 मार्च को जो हमारा चैनल था वो हैक हो चुका था। जी हाँ गाइस, 13 मार्च 2023 को हमारा चैनल हैक हो चुका था। सुबह सुबह ही ये सब मेरे सामने आया और जो हैकर था उसने रात को ये पूरा सिस्टम जो था लॉगआउट वगैरह का वो सब किया। और मैं आप लोगों के लिए, नॉर्मली मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, काम वगैरह में इतना टाइम नहीं मिलता है तो 2-3 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन उस दिन मुझे सुबह आप लोगों के लिए जल्दी उठना था, काफ़ी सारी वीडियो बनानी थी तो मैं जल्दी सो गया। और जब उठा तो देखा तो ये सब पूरा कांड हो चुका था। लेकिन नसीब से अब 2-3 हफ्ते, अब 2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट और चैनल अब आ चुका है, रिकवरी सारी हो चुकी है थैंक्स टू यूट्यूब, उन्होंने बहुत हेल्प की। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप से। अगर आपको नहीं पता है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं, आपकी पूरी हेल्प करूं और वो भी फ्री में। इन सब चीज़ों के लिए कभी भी किसी को पैसे मत दिया करो, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और चैनल तो आपका आएगा ही आएगा कुछ भी हो। हाँ, थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं चैनल को। तो ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि गाइस, मुझे आप लोगों को सॉरी बोलना था कि मैं अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा तो नहीं कर पाया ऑन टाइम, फिर भी मैंने नेक्स्ट डे जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया क्योंकि मुझे पता था चैनल तो आएगा लेकिन मैं अपना जो प्रॉमिस है वो आप लोगों के साथ पूरा करूंगा। तो अभी इस वीडियो में आप लोग NS 160 का जो नेक्स्ट जनरेशन आया है उसकी डिटेल वीडियो आप लोग देखोगे और वीडियो को यार सपोर्ट करो और ऐसे ही सपोर्ट रखो हमेशा यार। आप लोगों का सपोर्ट था तभी चैनल आ पाया है, नहीं तो हैकर ने तो पूरी जान लगा दी थी। सारे लॉगआउट्स वगैरह जितने थे उसने 7 वीडियोस भी अपलोड किए थे, वो सब क्या थे वो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता गाइस, मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और जो मेरी कैटेगरी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर सिर्फ वही सब आए। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको जानना है कि क्या हुआ था तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना तो मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊं। बाकी अगर आप लोगों का किसी का भी कमेंट नहीं आएगा तो मैं नहीं लेके आऊंगा ऐसी वीडियो क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अब आप लोग वीडियो एंजॉय करो और सपोर्ट रखो इसी तरह, इस वीडियो को भी उसी तरह सपोर्ट दो जैसे NS 200 के नेक्स्ट जनरेशन वाली वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट दिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज की ऑल न्यू पल्सर NS 160 के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, यानी कि 2023 वाला NS 160 का जो वेरियंट है ये आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो और क्या क्या इस बाइक में नए चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं, क्या क्या नए अपडेट्स किए गए हैं, प्राइस वगैरह, एग्जॉस्ट साउंड, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है सबसे पहले आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट में आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो यार इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फटाफट सबसे पहले लुक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, क्या यहां पर आपको कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं? तो यस, डेफिनेटली आपको इस बाइक के लुक्स वगैरह में थोड़े चेंजेस देखने मिलते हैं, इसके ग्राफिक्स वगैरह में, इसके कलर स्कीम वगैरह में। तो अभी आप जो कलर देख रहे हो ये इसका रेड एंड ब्लैक कलर आप लोग देख रहे हो जो कि ग्लॉसी कलर में आपको मिलता है। डिजाइन को लेकर चेंजेस के बारे में, तो गाइस देखो डिजाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, जो फ्रंट में आपको हेडलाइट ऑफर की जा रही थी हेलोजन लाइट्स के साथ वही आपको अभी देखने मिलती है। यहां पर थोड़ा बजाज वालों ने डिसअपॉइंटमेंट किया है बहुत से लोगों को,
कि इस बाइक में अभी भी आपको हेलोजन लाइट्स ही ऑफर की जा रही है इसके हेडलाइट में, इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है उसमें, बाकी जो टेल लाइट है उसमें आपको एलईडी लाइट्स देखने मिल जाती है। बाकी वहीं बात करें अगले बड़े अपडेट के बारे में, तो गाइस इस बाइक में जो एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने मिल रहा है वो है इसके फ्रंट सस्पेंशन को लेकर। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो इस बाइक में आपको फाइनली USD4 को ऑफर किए जा रहे हैं। गाइस एक टाइम था जब बजाज वाले अपने NS200 में USD4 को ऑफर नहीं करते थे, सिर्फ उनकी जो हायर सेगमेंट की बाइक्स थी जैसे डोमिनार 400 उसमें ही आपको USD वगैरह देखने मिलते थे। लेकिन आज एक टाइम अलग हो चुका है जहां पर आपको 160cc बाइक में भी बजाज की आपको USD बजाज वाले ऑफर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार काम किया है बजाज वालों ने यहाँ पर। तो ये जो USD है ये 31mm डायमीटर के साथ आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ब्राज़ील में जो डोमिनार के नाम से NS बेची जाती है तो वही जो सस्पेंशन आपको वहां ऑफर किए जाते हैं वही सेम आपको यहां पर भी देखने मिलते हैं 31mm डायमीटर के साथ। सस्पेंशन USD4 थोड़े से छोटे जरूर लग रहे हैं लेकिन 160cc के हिसाब से बहुत ही सही है। NS200 में आपको 33mm डायमीटर के साथ USD मिल रहे हैं, तो यहां पर 31mm का USD है, 2mm का डिफरेंस है, तो ठीक ठाक है। बाकी बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो गाइस यहां पर जो इस बाइक का टायर है और जो अलॉय व्हील्स है वो आपको लिटिल बिट चेंज होते हुए दिखेगा। सेक्शन वगैरह जो है वो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। और अगले एक बड़े चेंजेस के बारे में बात करें तो गाइस इस बाइक के डिस्क ब्रेक को लेकर हुआ है कि इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक तो पहले भी ऑफर की जा रही थी लेकिन अब जो मेन एक बड़ा चेंज आपको इस नए वाली NS160 में देखने मिलेगा वो है कि इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है। गाइस बिलीव मी, 160cc की बाइक में, बजाज की किसी बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है ये। आप लोग इसी बात पे इस वीडियो को यार लाइक कर दो। ड्यूअल चैनल ABS के साथ इस बाइक की जो सेफ्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डिस्क वगैरह जो अलॉय व्हील्स है उसकी डिज़ाइन थोड़ी बहुत N160 से उठाई गई है। आप लोग देख सकते हो जो अलॉय व्हील्स है इस बाइक के वो थोड़े डिज़ाइन आपको उस तरह के सिमिलर देखने मिल रहे हैं। जो डिस्क ब्रेक है वो भी वहाँ से ही थोड़ी ली गई है। और गाइस बताया जा रहा है इसमें ये जो टायर साइज़ है और अलॉय की जो डिज़ाइन है इसके कारण इस बाइक का जो वेट है पुरानी वाली NS160 के कंपेयर में 3 kg तक इंक्रीज हो गया है। और वहीं NS200 जो आती थी उसमें वेट कम हो गया है, करीबन 1 से 1.5 kg के आसपास वेट रिड्यूस हुआ है। वो क्यों हुआ है वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब मैं NS200 की डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। बाकी बात करें अगले एक और बड़े अपडेट के बारे में, इसके कंसोल में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर देखने मिल रहा है। जी हाँ गाइस, कंसोल सेम है, जैसे सेमी डिजिटल कंसोल आपको पुरानी वाली NS160 में देखने मिलता था वैसा ही है। लेकिन जो एक चीज एड ऑन की गई है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, तो जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये जो बाइक है कौन से गियर पर चल रही है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वाला फीचर भी। बहुत सालों से हम लोग इस फीचर का वेट कर रहे थे बजाज की सभी बाइक्स में, खास करके NS200 RS200 में। NS200 में तो मिल ही गया ये फीचर और NS160 में भी मिल गया है और RS में भी डेफिनेटली ये फीचर्स आपको देखने मिलेगा। बाकी वहीं बात करें कुछ और चेंजेस के बारे में, एज सच कुछ बड़े चेंजेस तो नहीं है गाइस, लुक्स वगैरह सेम है। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। USD को लेकर USD4 का आपको ऑफर किया जा रहा है, पीछे का जो सस्पेंशन है वो सेम आपको मिलता है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। ब्रेकिंग को लेकर जो चेंजेस मिल रहा है कि ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में आपको ऑफर किया जा रहा है। और जो टायर्स वगैरह है, जो अलॉय व्हील्स है, जो ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक है वो कंप्लीटली चेंज कर दी गई है, N160 से उठाई गई है। बाकी वहीं बात कर रहे कलर ऑप्शंस के बारे में, तो ये ब्लैक कलर अभी आप लोग देख रहे हो, इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑल पर सेलेक्ट करना होगा। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस वगैरह के बारे में, तो देखो जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये ऑन रोड मुंबई प्राइस है। अगर आप लोगों को अपने सिटी की प्राइस जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूं। देखो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो रिप्लाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। तो ऑन रोड NS160 की जो मुंबई प्राइस है वो है करीबन 1,65,000 से लेकर 1,70,000 तक। देखो ये प्राइस में जो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये जो एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही मेरे पास इसकी डिटेल्स आएगी इसकी प्राइस की,
तो अभी तक क्या है, ये बाइक ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुई है, अभी इसका लॉन्च इवेंट चल रहा है पुणे में, तो वो लॉन्च इवेंट होते ही इसकी प्राइस भी सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ यही प्राइस होगी, 1,65,000 से लेकर 1,70,000 तक इसकी ऑन रोड मुंबई प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस वगैरह आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, 15,000 से 10,000 रुपये इस प्राइस में से माइनस कर दो तो वो इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है, बाकी एग्जैक्ट प्राइस नीचे मिल जाएगी। और ये वीडियो देखो गाइस, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करो, वायरल कर दो इस वीडियो को, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो NS 200 के 2023 वाले वेरिएंट की आ रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्र रखो।